नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। और दोस्तों, गूगल ने अपना लेटेस्ट एआई गूगल असिस्टेंट अब मार्शमेलो के लिए ऑफिशियली अपडेट कर दिया है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने डिवाइस में से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दरअसल अगर आप अभी देखेंगे तो मैं एंड्रॉइड मार्शमेलो पे हूं, और अगर मैं अपने होम बटन को टैप या प्रेस करता हूं तो अभी गूगल नाउ ऑन टैप ओपन हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि गूगल असिस्टेंट अभी मेरे डिवाइस पे अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही साथ खुद भी अपडेट करूंगा कि हम गूगल असिस्टेंट कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है माय एप्स वाले सेक्शन में। तो स्वाइप करके माय एप्स वाले सेक्शन में चले जाइए और वहां से अपनी जितनी भी एप्स हैं उन्हें अपडेट कर लीजिए। अगर आप सारी एप्स अपडेट नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप गूगल ऐप अपडेट कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो ये वाली गूगल ऐप है जो आप अपडेट कर लीजिए। इसके बाद अपडेट करने के बाद आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ आपको सर्च बार में लिखना है गूगल प्ले सर्विसेज। तो बस आपको ये लिखना है, क्योंकि गूगल प्ले सर्विसेज अगर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में ढूंढेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सर्च कर लीजिए, उसके बाद पहला ही रिजल्ट होगा गूगल प्ले सर्विसेज बीटा करके, उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मिलेगा बिकम अ बीटा टेस्टर, उस पर भी क्लिक कर दीजिए। ये सीधे प्ले स्टोर में खुलेगी लिंक। प्ले स्टोर में जैसे खुल जाए यहाँ ऑप्शन होगा अनइंस्टॉल का, तो आपको नीचे जाना है और यहाँ बीटा टेस्टर बनने के लिए एनरोल कर देना है प्रोग्राम में ज्वाइन इन करने के लिए। तो ये तकरीबन 5 से 10 मिनट लेगा, उसके बाद आपको अपडेट का आइकन दिखाई देगा। तो बस अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के लिए थोड़ी देर लगेगी डाउनलोड होने में, जो भी टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पे आप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सारे रीसेंट जो ऐप है उन्हें किल करना है, तो टास्क बार में जाके उन्हें किल कर दीजिए, मेमोरी क्लियर कर दीजिए। उसके बाद सेटिंग्स में जाइए और माय एप्स वाले सेक्शन में चले जाइए। तो नीचे आपको अगर Xiaomi का डिवाइस यूज कर रहे हैं तो आपको नीचे की तरफ मिलेगा इंस्टॉल्ड एप्स, तो उसमें चले जाइए। उसमें जाने के बाद आपको गूगल ऐप सर्च करनी है, तो स्क्रॉल करते रहिए और गूगल ऐप सर्च करके उस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आपको क्लियर मेमोरी का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप Xiaomi का डिवाइस यूज कर रहे हैं तो आपको मैनेज मेमोरी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद क्लियर गूगल सर्च डाटा और क्लियर कैश मेमोरी पे क्लिक कर दीजिए, सारी मेमोरी क्लियर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा अपनी मेमोरी क्लियर करनी है टास्क बार में जाके। उसके बाद यहाँ आपको दोबारा सेटिंग में जाना है और इस बार आपको लैंग्वेज एंड इनपुट वाले सेक्शन में जाके अपने डिवाइस की लैंग्वेज चेंज करनी है। डरिए मत, इंग्लिश ही रखनी है, बट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स रखनी है, और गूगल कीबोर्ड की भी लैंग्वेज आपको यूनाइटेड स्टेट्स ही रखनी है। इसके बाद एक बार फिर से इंस्टॉल्ड ऐप में जाइए और एक बार दोबारा से गूगल ऐप को ढूंढिए और वापस मैनेज स्पेस में जाके जितनी भी आपकी मेमोरी है उसे क्लियर कर दीजिए और अपनी कैश मेमोरी भी क्लियर कर दीजिए। इसके बाद एक बार फिर से टास्क बार में से अपनी जो एप्स हैं उन्हें रिमूव कर दीजिए और अब आप होम बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका गूगल असिस्टेंट आ चुका है। तो बस आपको ये 2-3 स्टेप 2-3 बार फॉलो करने हैं और बड़ी आसानी से आपका गूगल असिस्टेंट आपके डिवाइस में इंस्टॉल्ड हो जाएगा। अब आप इसे सेटअप कर सकते हैं, बेसिक जो भी सेटअप होता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी वॉइस सेटअप कर सकते हैं ताकि जो गूगल असिस्टेंट है वो आपको अच्छे से रिकग्नाइज कर पाए और आपकी जो आवाज है उसे अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाए। गूगल असिस्टेंट एक काफी अच्छा एआई है। अगर हम इसके कंपेयर करें डायरेक्टली सीरी से तो ये उसके मुकाबले काफी अच्छा है, और सीरी के मुकाबले इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा बहुत ह्यूमर भी मिल जाता है, जैसा हम पहले गूगल नाउ ऑन टैप में हमें देखने को नहीं मिलता था। तो बस आशा रखता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरा नाम है प्रिंस, मैं मिलता हूँ आप सभी को एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।